एक डिटेक्टर है विच इज रिसीडिंग मतलब दूर भाग रहा है फ्रॉम अ स्टेशनरी साउंड सोर्स विद अ स्पीड दैट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली ठीक है अब इन्होंने बोला नहीं है लेकिन मैं मतलब मैंने गेस्ट किया है कि ये ज़ीरो से शुरू किया है और फिर उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है ठीक है सो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी ऑफ़ द साउंड वेव डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर तो चलें इसका डायग्राम बनाते हैं पहले है ना फील आएगी आपको चल क्या रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये सोर्स रखा है और सोर्स से ऑब्वियसली वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं और ये आपका डिटेक्टर है जो कि दूर भाग रहा है विद वेलोसिटी वी और ये वी मतलब ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है इट्स नॉट ए कॉन्स्टेंट सो एट किसी भी मोमेंट पर वी होगी ठीक है और जो वेव फ्रंट्स हैं वो चल रहे हैं विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड तो वो वी एस से चल रहे हैं और डिटेक्टर जीरो से चलना शुरू हुआ और किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी है तो ये डायग्राम आपको क्लियर है अब डिटेक्टर करता क्या है ना वो बेसिकली मेजर करता है कि यार कितने उससे टकरा रहे हैं ना वेव फ्रंट्स पर सेकेंड्स दैट्स ऑल इट डिटेक्ट्स तो अब कितने टकरा रहे हैं ये देखने के लिए हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करते हैं एंड लेट्स गेट टू द रेफरेंस फ्रेम दैट्स मूविंग अलोंग विद द वेव फ्रंट विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड ठीक है तो साउंड के साथ साथ भाग रहा है वो साउंड की स्पीड से भाग रहा है हमारा ऑब्जर्वर तो अब ऑब्वियसली साउंड की स्पीड से भाग रहा है तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अब वेव फ्रंट सारे रेस्ट पे ठीक है सोर्स को अब छोड़ो मतलब नहीं हमें वेफरेंस चाहिए थे हमें सोर्स से उतना ही काम था तो अब सोर्स से मतलब नहीं है डिटेक्टर को देखो तो अब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिटेक्टर पीछे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ साउंड और आगे जो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है वो तो है ही है ठीक है सो दिस वी कीप्स इंक्रीजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड दिस वी एस इज़ कॉन्स्टेंट तो अब ऑब्वियसली देखो जब ये ज़ीरो था तो ये इधर वी से जा रहा है उल्टा तो जो ये रिकॉर्ड कर रहा है ये वी स्पीड मतलब ये रेस्ट पे है ना तो अब देखो कितने टकराएगा ये काफ़ी सारा टकराएगा वी स्पीड से फिर ये स्पीड बढ़नी शुरू हुई धीरे धीरे ठीक है जैसे जैसे ये स्पीड बढ़नी शुरू हुई तो इसकी नेट वेलोसिटी राइट की तरफ कम हो रही है तो ये धीरे धीरे टकराना शुरू करेगा एक पॉइंट पे वी विल बिकम वी एस तो ये रेस्ट पे आ जाएगा ठीक है ये सब कुछ हम इसी फ्रेम में बात कर रहे हैं तो ये रेस्ट पे आ गया तो ये कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा फिर वी और बढ़ेगी तो ये लेफ्ट में चलना शुरू करेगा फिर वापस धीरे धीरे डिटेक्ट करना शुरू करेगा फिर जब ये बहुत बढ़ जाएगी तो ये जो ओरिजिनल वेव फ्रंट चला था शुरू में ना उसको भी क्रॉस कर जाएगा सो इनिशियली वी स्पीड से जल्दी जल्दी पकड़ेगा वेव फ्रंट्स फिर स्पीड इसकी कम होती जाएगी राइट right की तरफ सो इट विल रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी इट विल डिटेक्ट अंटिल इट बिकम ज़ीरो देन अगेन इट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इट विल डिटेक्ट इवन दो उल्टी साइड में डिटेक्ट कर रहा है अभी एंड इवेंचुअली इट विल बिकम ज़ीरो ठीक है सो so, वही है इट फर्स्ट डिक्रीजेस बिकम जीरो देन इंक्रीजेस एंड इवेंचुअली नो साउंड डिटेक्टेड तो वही सब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर जो आपको समझाया पढ़ लेते हैं फटावट सो एज वी गोज फ्राम जीरो टू इन्फिनिटी वे फ्रेंड्स इट विल क्रॉस पर सेकेंड और यही फ्रिक्वेंसी है डिटेक्टर की you know? detected, detected है ना डिटेक्टेड डिटेक्टेड फ्रीकवेंसी यही है सो दिस विल डिक्रीज फॉर वी लेस देन वी एस ठीक है तो so, जब तक ये वी वी एस से कम है तो राइट right साइड में कम होती जाएगी स्पीड इसकी डिटेक्टर की सो इट विल डिक्रीज फ्रीकवेंसी विल डिक्रीज एज लॉन्ग एज वी इज लेस देन वी एस वी बराबर वी एस हो गया तो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टेड इज ज़ीरो क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया देन इट विल इंक्रीज अगेन फॉर वी ग्रेटर देन वी एस एंड देन एब्रप्टली इट विल बिकम जीरो वैन फर्स्ट एवर वे फ्रंट इज़ क्रॉस्ड ठीक है तो जो सोर्स से जो पहला चला था ना क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूसली बोला है विदाउट लिमिट विदाउट लिमिट मतलब जो ओरिजिनल चला था है जब भी उसको पकड़ ही लेगा इवेंचुअली ये और उसको पकड़ लिया उसके बाद तो वे फ्रेंड्स है ही नहीं है ना तो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टेड विल बी बिकम जीरो सोर आंसर इज दिस